नंबर 5 सोशल प्रूफ। आई एम श्योर आपने भी कुछ ऐसा कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। एक स्टडी करी गई थी जहां कुछ लोगों को एक बिल्डिंग के छठे फ्लोर पे कंटिन्यूअसली देखने बोला गया था, ये देखने के लिए कि क्या होता है। अब हुआ ये कि जब बस एक इंसान ऊपर देख रहा था तब 45% लोग रुक के देखने लगे कि क्या हो रहा है ऊपर, जबकि 85% लोग रुक के देखने लगे जब 15 लोग ऊपर देख रहे थे। एक सिमिलर एक्सपेरिमेंट को तो बंद करना पड़ गया था बीच में ही, क्योंकि इतने सारे लोग जमा हो गए थे कि उनकी वजह से ट्रैफिक जैम हो गया था। दूसरों को कॉपी करना हमारा ह्यूमन नेचर है, स्पेशली जब हम श्योर नहीं रहते कि हमें क्या करना चाहिए। और क्रिटिकल सिचुएशन में तो हम किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, बस अगर उसे पता हो कि वो क्या कर रहा है तो। एक अलार्मिंग रिसर्च में फाइंड आउट किया गया था कि पहले जब कोई फेमस न्यूज़पेपर अपने फ्रंट पेज पे एक सुसाइड की स्टोरी डालती थी तो ये चीज आने वाले टाइम में सुसाइड के रेट्स को और ज्यादा बढ़ा देती थी। इनफैक्ट एक केस में न्यूज आने के बाद 58 अनयूजुअल केसेस देखने मिले थे सुसाइड के बस एक महीने के अंदर। अगेन ये सुसाइड्स कोई इत्तफाक नहीं थे, बल्कि इन सुसाइड्स को बोलते हैं कॉपीकैट सुसाइड, जो इंडिया में भी हुए थे कुछ साल पहले, जब न्यूज चैनल ही दिखाने लगे थे कि बच्चे डिप्रेशन की वजह से बहुत सुसाइड कर रहे हैं। तब एक्चुअल में उसके बाद कई बच्चों के केसेस और ज्यादा सुनाई देने लगे सुसाइड के। वहीं दूसरी तरफ एक पॉजिटिव साइड पे इस सेम प्रिंसिपल का यूज किया गया था कुछ बच्चों के दिमाग से कुत्तों का डर खत्म करने के लिए। इस एक्सपेरिमेंट में क्या करा गया कि जो बच्चे कुत्तों से डरते थे उन्हें दिखाया गया दूसरे बच्चों को जो कुत्तों के साथ खेलते थे बिना डरे खुशी खुशी। इस एक्सपेरिमेंट में ऐसे बच्चों को हर दिन 20 मिनट दिखाया जाता था, जिसका रिजल्ट ऐसा निकला कि बस 4 दिन के अंदर 67 बच्चों का डर पूरा खत्म हो गया और वो खुद भी कुत्तों के साथ खेलने लगे। आपने भी देखा होगा कि जब सब हंसते हैं तो हमें भी हंसी आने लगती है। वेल अगेन ये सोशल प्रूफ ट्रिगर का एग्जांपल है, इसीलिए आप देखोगे कई कॉमेडी शोज में जोक्स के बाद रिकॉर्डेड हंसी बचती है। या तो वो लोग ऐसे जज रखते हैं जो बहुत ज्यादा हंसते हैं, जो सब एक्चुअल में हमें भी कहीं ना कहीं ये बिलीव कराता है कि जोक्स फनी हैं, जबकि वो इतने फनी नहीं रहते फिर भी। बिजनेस रिलेटेड एग्जांपल दूं तो कंपनीज ऐसा बोलती है कि उनका प्रोडक्ट लार्जेस्ट सेलिंग है, फास्टेस्ट ग्रोइंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब वो ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि हर कोई उनके प्रोडक्ट को खरीद रहा है। वेल ऐसा वो लोग करते हैं बिकॉज ये फैक्ट है कि हम वो चीजें ज्यादा करते हैं जो सब कर रहे हैं। सो बेसिकली इन सारे एग्जांपल से आप ये बात सीखो कि दूसरों को कैसे भी ये बिलीव कराओ कि आप जो उनसे कराना चाहते हो वो सब कर रहे हैं, स्पेशली जिन्हें वो एडमायर करते हैं वो भी। तो ऐसा करने से बहुत ज्यादा चांस है कि फिर वो भी सेम चीज करेंगे जो आप उनसे करवाना चाहते हो। नंबर 6 कंसेशन। दो भाइयों की कपड़ों की दुकान थी जहां वो कुछ इस तरह कंसेशन प्रिंसिपल का यूज करके अपने कपड़े बेचते थे। एग्जांपल, जब भी कोई नया कस्टमर उनके पास आता और पूछता कि लाइक ये सूट कितने का है, तो पहला भाई जो दूर रहता वो बोलता $42। तभी दूसरा भाई जो कस्टमर के पास रहता वो ऐसा दिखावा करता कि उसने $22 सुना। सो वो कस्टमर को $42 बोलने के बजाय $22 बोलता। जैसे ही कस्टमर को लगता कि वो गलती से $22 बोल रहा है, तो कई कस्टमर जल्दी जल्दी $22 में उस सूट को खरीद लेते दूसरे भाई को गलती पता चलने से पहले, जबकि एक्चुअल में वो गलती नहीं बल्कि कंसेशन ट्रिक होती थी उनके $22 के कपड़े को बेचने की, वो भी बिना पैसे कम कराए। सिमिलरली एक बार ऑथर एयरपोर्ट पे वेट कर रहे थे कि तभी एक बच्चा उनके पास आया और बोला, सर क्या आप एक बहुत बड़े इवेंट की टिकट लेना पसंद करोगे? प्लीज सर, इवेंट बहुत अच्छा है, आपको मजा आएगा। तब ऑथर ने उसे नो थैंक्स बोल के मना कर दिया। फिर बच्चे ने बोला, अच्छा ओके सर, क्या आप ये चॉकलेट खरीदना पसंद करोगे? बस $1 की है। सो ऑथर ने तब बिना कुछ बोले वो चॉकलेट खरीद ली। पर जब वो बच्चा चला गया तो ऑथर को थोड़ा स्ट्रेंज लगा। वो सोचने लगे कि उन्होंने चॉकलेट खरीदी क्यों, जबकि उन्हें तो चॉकलेट पसंद भी नहीं है। वेल इस चीज को जो कॉन्सेप्ट क्लियर करता है उसे बोलते हैं कंसेशन, जो ये सिखाता है कि अगर हम किसी से एक बड़ी रिक्वेस्ट करें, कोई बड़ा काम करने बोले और जब सामने वाला उस काम को करने के लिए मना कर दे, तो फिर उसके बाद अगर हम उस सेम इंसान से कोई छोटी रिक्वेस्ट करें, मतलब कोई छोटा काम करने का बोले, तो बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं कि वो इंसान हमारे उस छोटे काम के लिए हाँ बोलेगा। एक बिजनेस एग्जाम्पल दूं तो समझो एक कस्टमर है जो सोच के आया है कि वो ₹1000 तक की पैंट खरीदेगा, लेकिन अब दुकान पे जाने के बाद दुकान वाला उसे पहले 1000 की पैंट दिखाने के बजाय 10000, 8000 और ऐसी महंगी महंगी पैंट दिखाने लगेगा, और फिर एंड में एक 2000 की पैंट दिखा के बोले कि ये सस्ती और बहुत अच्छी क्वालिटी की पैंट है, ये ले लो। तो ऐसा करने से बहुत ज्यादा चांस हो जाएंगे कि वो इंसान अपना बजट बढ़ा के 2000 की पैंट भी ले लेगा, अगर उसके पास पैसे होंगे तो, क्योंकि अब 10-8000 के सामने 2000 बहुत कम लगेगा। और यही है कंसेशन का ट्रिगर। सिमिलरली अगर आप चाहते हो कि कोई आपकी बात माने, तो पहले आप सामने वाले को कोई एक बड़ी रिक्वेस्ट करो जो आपको पता है कि सामने वाला नहीं करेगा, और फिर आप उसे वो काम बोलो जो आप चाहते हो, जो कंपैरिजन में उससे काफी छोटा हो। तो ऐसा करने से काफी ज्यादा चांस होंगे कि वो आपकी रिक्वेस्ट सुन लेगा। और हाँ एक और बात, आप जो भी बड़ी रिक्वेस्ट करो वो रियलिस्टिक करना, ना कि कोई स्टूपिड सी बड़ी रिक्वेस्ट। नंबर 7 रेसिप्रोसिटी। इस कॉन्सेप्ट को मैंने अपने थर्ड लास्ट वीडियो में भी बताया था, अगेन जिसे नहीं पता उसे बता दूं तो यह हमारे ब्रेन का एक बहुत पावरफुल मैकेनिज्म है जो हमें बोलता है कि हम हमेशा दूसरों के साथ सब कुछ सेटल रखें, इवन रखें।
मतलब अगर कोई हमारे साथ कुछ अच्छा करता है तो हमें भी उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहिए रिटर्न में, और अगर हमारे साथ कोई कुछ बुरा करे तो हमें भी उसके साथ कुछ रिटर्न में बुरा करना चाहिए। एग्जाम्पल, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे एक जर्मन सोल्जर अपनी लिमिट से आगे तक पहुंच गया था कोई नो मैंस लैंड पर, ताकि वो एक दुश्मन सोल्जर को पकड़ सके। चलते चलते सडनली उसने देखा कि वो दुश्मन आदमी अकेले बैठ के खाना खा रहा था। जैसे ही उस आदमी ने इस जर्मन सोल्जर को देखा तो उसने बंदूक उठा के फायर करने के बजाय उसे साथ में खाना खाने का ऑफर दिया। अब क्योंकि ये बहुत काइंड चीज थी इसीलिए फिर उसने भी फायर नहीं किया और दोनों अपने अपने रास्ते ऐसे ही बिना लड़े चले गए। कुछ बिजनेस एग्जाम्पल दूं तो एमवे कंपनी का नाम आपने शायद सुना ही होगा। इस कंपनी की सक्सेस का एक बड़ा रीजन रेसिप्रोसिटी का यूज भी था, क्योंकि एमवे वाले दूसरे सेल्समैन की तरह डायरेक्ट आपको अपना प्रोडक्ट खरीदने नहीं बोलते थे, बल्कि बहुत बार वो आपको मतलब अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को फ्री में सैंपल देते थे अपने प्रोडक्ट्स का यूज करने के लिए, और ऐसे ही चले जाते थे। जिसकी वजह से क्या होता था कि फिर नेक्स्ट टाइम जब वो आते थे तो क्योंकि आपने उनका प्रोडक्ट पहले ही फ्री में यूज कर लिया है इसीलिए अब आपको भी अंदर से सब कुछ सेटल करने का दिल करता और बहुत ज्यादा चांस हो जाते कि आप कुछ खरीद लेते। इनफैक्ट वाइन बिजनेस पे देखा गया है कि फ्री या बहुत लो कॉस्ट वाइन टेस्टिंग कराने से 93% ज्यादा चांस हो जाते हैं कि वो इंसान एडिशनल $10 देके फ्यूचर में वो वाइन खरीदेगा, और इतना ही नहीं 92% और ज्यादा चांस हो जाते हैं कि वो आदमी फ्यूचर में भी उस वाइन को खरीदेगा। सिमिलरली कई इंडस्ट्री में देखा गया है कि पहले फ्री सैंपल लोगों को देने से कस्टमर्स बहुत ज्यादा उनके प्रोडक्ट खरीदने लगते हैं पैसे देके। ऐसे ही अगर आप किसी इंसान को किसी फेस्टिवल पे गिफ्ट दोगे पहले तो बहुत ज्यादा चांस है कि फिर रिटर्न में वो भी आपको गिफ्ट देगा फेस्टिवल में। सो टू कंक्लूड, अगर आप किसी से कुछ कराना चाहते हो तो पहले आप सामने वाले के लिए कुछ अच्छा करो जो उसे पसंद आए, जिससे फिर वो ऑलरेडी आपसे चीजें सेटल करने के प्रेशर में आके आपके काम की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ले। नंबर 8, रीजनिंग। जब आप किसी से कोई फेवर मांग रहे हो तब ज्यादा चांस है कि लोग आपकी रिक्वेस्ट पे हाँ बोलेंगे अगर आप उन्हें एक रीजन दोगे तो। एग्जाम्पल, एक हार्वर्ड प्रोफेसर ने एक्सपेरिमेंट किया जहां उन्होंने लाइन में खड़े कुछ लोगों को जो जीरोक्स मशीन यूज करने वाले थे उनसे 3 अलग अलग तरीके से रिक्वेस्ट करी, जिनसे उन्हें 3 अलग अलग रिजल्ट्स मिले। पहली बार जब वो गई तब उन्होंने कुछ ऐसी रिक्वेस्ट करी कि क्या मैं प्लीज जीरोक्स मशीन यूज कर लूं बिकॉज मैं काफी जल्दी में हूं। ऐसे 90% लोगों ने हाँ बोला। फिर सेकंड टाइम उन्होंने ऐसी रिक्वेस्ट करी कि क्या मैं प्लीज पहले मशीन यूज कर सकती हूँ, तो इस पर 60% लोगों ने एग्री किया। और फिर लास्ट टाइम उन्होंने ऐसे रिक्वेस्ट करी कि क्या मैं प्लीज मशीन यूज कर सकती हूँ, मुझे जीरोक्स चाहिए। सरप्राइजिंगली अगेन 90% लोगों ने एग्री किया। सो इस एक्सपेरिमेंट ने कंक्लूड किया कि रीजन देना हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट होने के चांसेस बढ़ा देता है। मैंने खुद भी इस प्रिंसिपल को बहुत बार यूज किया है। एक बार मैं डॉक्टर को विजिट करने गया था, वेटिंग की लाइन बहुत बड़ी थी, सो मैंने उन लोगों से रिक्वेस्ट करी कि प्लीज मुझे पहले जाने दे बिकॉज मेरे एग्जाम्स थे और मुझे तैयारी करनी थी। सो तब ऑलमोस्ट सब ने थोड़ा हेजिटेट करके ही सही लेकिन एग्री किया और मुझे पहले जाने दिया। अभी रिसेंटली ही मैं अपने फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने गया था, लेट हो गया था, एक दुकान बंद ही हो रही थी, वहां सफाई चालू थी और गेट हाफ क्लोज हो गया था। मैंने मेरे फ्रेंड को बोला कि वो पूछे कि क्या हम वहाँ खरीदारी कर सकते हैं, तो मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला कि नहीं रहने देते हैं, उसने क्लोज कर दिया है ऑलमोस्ट। बट मैं नहीं माना, मैं वहां गया और मैंने रिक्वेस्ट करी, जिसका रिजल्ट वो दुकान वाला मान गया और उसने हमें शॉपिंग करने दे दी। अब मुझे पता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, बट स्टिल मैं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बार लोग ट्राई भी नहीं करते, पहले ही सोचते हैं कि नहीं सामने वाला मना कर देगा, बट ऐसा नहीं है। आप पूछो, एटलीस्ट ट्राई करो, क्योंकि सबसे बड़ा लाइफ लेसन यही है, ट्राई करना, पूछ के देखना, बिकॉज सिर्फ पूछने से भी काफी ज्यादा चांस हो जाते हैं कि कुछ पॉजिटिव होगा। इसलिए आप भी कभी पहले ही अज्यूम मत करो सामने वाला मना करेगा ये सोच के, एटलीस्ट पूछ के देखो, अपनी रिक्वेस्ट बोल के देखो, रीजंस दो, इन ट्रिगर्स का यूज करो। जितना अच्छे से और बार बार आप इनका यूज करोगे उतना ज्यादा आप पर्सुएशन में अच्छे हो पाओगे और लोगों को